please give an energetic and warm welcome to Shri Sabji Dholakia ji. बैठिए जी, बैठिए. आई थिंक कुछ साल पहले एक न्यूज आई थी जहां पे आपने सुना था कि एक कंपनी है जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज को गाड़ियां दी हैं बहुत सारी और कुछ अपार्टमेंट्स गिफ्ट करे, वो इन्हीं की कंपनी है. साढ़े बारह साल की उम्र में मैंने गांव छोड़ दिया था क्योंकि आपकी तरह मेरे को भी पढ़ने का नहीं था. सभी को पढ़ने का तो होता ही नहीं है, सब कुछ करो लेकिन पढ़ने का नहीं है. हम मौका नहीं मिलता हर एक को, मौका मिल जाए तो सभी छोड़ दें. बस की टिकट थी 12.5 रुपया और आज हमारा 12,500 करोड़ का एक्सपोर्ट है. यही हमारी जर्नी है. तो वी आर वेरी हैप्पी. मैं इसलिए शेयर करता हूँ कि आज तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं. दैट टाइम हमारे पास कुछ नहीं था, जेब में एक पैसा भी नहीं था और कोई मदद करने वाला भी नहीं था. अरे कोई मोटिवेटर ऐसा भी नहीं था. सर आप थोड़ा सा अपने उसके बारे में बताएंगे कि जब आपने शुरुआत करी तो आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया? वैसे तो जब भी हमने जर्नी चालू की है तभी तो इतना मुश्किल, मतलब कि हमारे यहाँ साला कोई इंटरेस्ट ही नहीं है. बड़ी बड़ी कंपनी में ही काम करना चाहते हैं. हमारे साथ तो कोई ना तो एम्प्लॉय मिलता है, ना तो मैनेजर मिलता है, ना तो कोई अच्छा व्यापारी मिलता है, ना तो हमको अच्छा कोई सप्लायर मिलता है. समझो जत्थाबंद पूरा लिस्ट था प्रॉब्लम का. दिमाग पढ़ा लिखा तो नहीं था, सोचना चालू किया कि ये सबको मिल रहा है, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है. मैं कुछ ऐसा करूँ, कुछ ऐसा करूँ. ये गाड़ी का तभी मेरे दिमाग में आया. ये गाड़ी का मैंने 95 में 3 कार दिया था, ये तो अभी दिया वो हाईलाइट हुआ. और अभी तक तो मैंने 4,000 लोगों को कार या घर या गहना दे चुका हूँ. आप देना चालू करो. एम्प्लॉय है, ब्रदर है, पड़ोसी है, राष्ट्र है, समाज है. देना चालू करो. आप बिलीव नहीं करेंगे, मिलना चालू हो जाएगा. बहुत बढ़िया. ये बेसिकली एक माइंडसेट है. माइंडसेट दो तरीके का होता है. एक होता है कि मेरे को मिल जाए और सामने वाले ने अगर मानो किसी ने 10,000 रुपये तनख्वाह मांगी, उसको और तंग करके किसी तरीके से उससे 6,000 रुपये करवा ली, वो भी रो रो करके उसको दी, ओवरटाइम कराया, ओवरटाइम के भी पैसे नहीं दिए, संडे को भी बुला लिया. ऐसा सब देखते हो आप लोग? कितने लोगों ने देखा है ये सब, ऑब्जर्व किया अपने आसपास में? ऐसी कंपनी में आप लोग कभी भी दिल से काम नहीं करेंगे. दूसरा होता है एक ऐसा एटीट्यूड कि शुरू से ही आपके मन में है कि मेरे पास में जो भी कुछ आएगा, अब सब कुछ तो नहीं, अगर सब कुछ ही आपने दे दिया तो आप खुद सड़क पे आ जाओगे ना, तो बट जितना मैं दे सकता हूं, जो भी मैं शेयर कर सकता हूं वो मैं दिल से शेयर करूं. तो जैसे जैसे आपका दिल बड़ा होता है तो आपके साथ वैसे ही लोग जुड़ते हैं. ये सीक्रेट शायद किसी को पता. हम लोग हमारे यहां एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उसका पेरेंट का एक साल में एक टूर करते हैं 15 दिन का, और 10 दिन में उसके साथ जाता हूँ. अपने माँ बाप की तरह मैं अपने एम्प्लॉय का पेरेंट की सेवा करता हूँ. अच्छा. एंजॉय कराता हूँ, प्रोग्राम कराता हूँ. और ये क्यों क्यों बता रहा हूँ, घर पे अपने पेरेंट को कोई अपनी कंपनी यात्रा करा रही है तो हमारे माँ बाप के प्रति हमारी भावना कितनी बदल जाएगी. बिल्कुल ठीक बात है. माँ बाप का आशीर्वाद कंपनी को मिलना चालू है. इसमें बहुत बड़ी बात क्या है, बहुत बड़ा खर्चा नहीं. हरिद्वार है, ट्रेन पूरी बुक कर ली, ये इसके लिए हमारा 1.5 करोड़ के 2 करोड़ से ज्यादा बजट नहीं है. 2 करोड़ का खर्चा खुश हो जाता है 15 दिन. हमें हमारे सौराष्ट्र में तो अपना मदर फादर तो अच्छा है, साथ में बैठता है. वो मदर फादर साथ में, सौराष्ट्र में प्रथा है, मदर फादर दोनों एक ही बार साथ में खाना नहीं खाया है. हम लोग एक ही डिश में खाना खिलाते हैं. इतना खुश होते हैं तो ये भी जुड़ जाते हैं, वो भी आशीर्वाद देते हैं, वो भी जुड़ते. बेटा ये कंपनी में से मत छोड़ना, और छोड़ा तो मेरे को बिना पूछे तू ये कंपनी मत छोड़ना. साला हमारे बाजू में छोटा सा दामनगर है गांव,
साला तूने कभी दामनगर नहीं बताया, उसने मेरे को दिल्ली बताया। और इसके आगे ये बिजनेस का व्यू है, कोई सेवा बेवा नहीं है ये भी। और इसके आगे की बात, वो पूरा पेरेंट का राउंड लग गया, 6,000 फैमिली का राउंड लग गया है, अभी राउंड चल रहा है फादर इन लो मदर इन लो का। मतलब एक इंसान की जितनी दुखती हुई नसें हो सकती हैं वो सब इन्होंने दबा दी है। कि मतलब उधर से ना तो बीवी छोड़ने देगी, ना माँ बाप छोड़ने देंगे, ना उसके माँ बाप छोड़ने देंगे। अब बेटा तू छोड़ के दिखा कैसे छोड़ेगा। और लॉजिक में एमबीए को बोलो, चार्टर अकाउंटेंट बोलो कि ये बनावे, एमबीए को ये कोई दिमाग में बैठने वाली बात है, ऑडिट में नहीं आएगा। मदर इन लो फादर इन लो को बिजनेस में क्या काम है, उसकी यात्रा करा के क्या मिलेगा। चला हम शादी करने के बाद मदर इन लो फादर इन लो का भाव पूछते नहीं है, और कंपनी उसका क्या, शादी के बाद कोई पूछते है क्या, भूल जाते है बिशिया ने कितना बड़ा बेटा दिया, बेटी दी हमारी लाइफ का एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, जो फादर इन लो के मदर इन लो किसी का भी, आपका है, बीबी का है के हस्बैंड का है, दोनों ने लाइफ दी है, तो हम भूल जाते हैं। लेकिन हम अब ये कंपनी कैसी है, हमारा दामाद वहां पे काम कर रहा है, इसकी वजह से मैं यात्राएं आया हूं। बीबी इतनी खुश होती है तो घर पे कितनी मजा आता है। घर से आदमी शांति से खुश होके आया कंपनी में, कैसा काम करेगा, बढ़िया करेगा, कंपनी अपने आप विकास करेगी। हेलो, आप अकेला खुश मत हो, आप तो खुश बाय प्रोडक्ट होंगे, उसको खुश करो, अपना काम हो गया। ये तो एम्प्लॉय है, ये तो समझ, मैं नेचर का भी यही, मैं तो आपको नहीं, ये तो गाड़ी की वजह से आप जानते हो, ये तो छोटा सा काम है, छोटा सा, जो मेरे को पद्मश्री मिला ये तो नेचर की वजह से मिला। मैंने 111 सरोवर बनाया है, कोई एक आदमी नहीं है तो इन्हें खोदने, 111। ये काम जो करता हूँ मैं नेचर का, तो नेचर मेरे को सपोर्ट करती है, कुदरत मेरे को सपोर्ट करती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप लोग बताइए, अब आप लोगों के माइंड में जो भी क्वेश्चंस हैं जो आप इनसे पूछना चाहते हैं, प्लीज गो अहेड। हेलो सर, हेलो एवरीवन। सर मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने बोला कि आप 12.5 साल के थे तब आपने डिसाइड किया कि आप कुछ करोगे, तो आई एम अ टीचर, मैं बच्चों के पर्सपेक्टिव से पूछना चाहती हूँ कि आजकल बच्चे कुछ भी आइडिया लाते हैं, कुछ लाते हैं, तो पेरेंट्स बोलते नहीं अभी ये नहीं करना, अभी पहले आप अपना होमवर्क कर लो या फिर आप अपना स्कूल कर लो, और अभी आप बहुत छोटे हो, आपके आइडियाज़ की कोई वैल्यू नहीं है, तो वो अपने पेरेंट्स को कैसे कन्वेंस करें या अपने टीचर्स को कैसे कन्वेंस करें। 12.5 की उम्र में मेरे को पढ़ने का नहीं था, फादर की इच्छा थी कि तू तो पढ़ने जा या बिजनेस करने जा, लेकिन गांव में से जा, मैंने मेरा नहीं किया, फादर की वजह से किया है, मेरे फादर ना माना है, मदर का सपना था तू पैसा वाला बनना, हर रोज इमोशनल ब्लैकमेलिंग करती थी, बड़ा आदमी बनना, तेरा नाम होना चाहिए, ये मदर ने 12 साल की उम्र में दिमाग में डाल दिया था, तो मैंने पेरेंट का माना है, हेलो, अपनी माना नहीं है। पिस्तालीस साल पहले माँ ने बोला था बड़ा आदमी बनना, पैसे वाला बनना और नाम होना चाहिए, मैंने माँ को बोला पैसा मेरे पास है तो अच्छा, दुनिया सब बुला रही है, रिस्पेक्टली, कोई केस दिमाग में नहीं चल रहा है, आज तक कोई गलती नहीं किया है, आज तक कभी किसी कोई गलत हैबिट में नहीं गए हैं, तो अच्छा आदमी तो था ही, आप मानो नहीं मानो, मैं तो मानता हूँ मैं अच्छा हूँ। पैसा ही है, लेकिन नाम जो, जब भी मैंने पद्मश्री मिला तभी, मम्मी मेरी जिंदा है आज भी, 84 ईयर में फादर, ये तीसरा सपना खत्म हुआ नाम वाला, क्योंकि सर्टिफिकेट भारत सरकार ने दिया, हमारी इंडस्ट्री में 200 साल में डायमंड इंडस्ट्री में फर्स्ट पद्मश्री लाया, इंडस्ट्री के लिए प्राउड है। केम छो सौजी जगह का जी, वहाँ तो गुजराती निकले फड़नो दिख रहो। तो सर आप पेरेंटिंग के लिए भी जाने जाते हो, तो क्या टिप्स देना चाहोगे पेरेंटिंग के लिए, अपने बच्चों को कैसे हम अच्छे संस्कार दे। अपने को कुछ नहीं करने का है, हम बच्चे जैसे चाहते हैं
ऐसा जीवन जीवन चालू करें, बच्चे बाय प्रोडक्ट ऐसा हो जाएगा। मेरे को इसको पूछ, बच्चा मेरे साथ ये पूछ बोलना पड़ेगा, तू ऐसा बन, ऐसा बन, ऐसा कर, ऐसा, ये तो तालियां सुन के पड़ जाए, समझ जाएगा मेरे को क्या करना चाहिए। पेरेंट हम ऐसा हम चाहते हैं मेरा बेटा ऐसा बने, ऐसा हम जीवन में जीना चालू करें, हो जाएगा बाय प्रोडक्ट। अरे मेरा बेटा मेरे से बेटर होशियार है, मैं तो मोटिवेटर हूं ना, मैं बता दूं आपको, तो मैं तो इंडस्ट्री का लीडर हूं, हमारी इंडस्ट्री बहुत बढ़िया चल रही है, और मैंने काफ़ी बार बोला डायमंड से अच्छी कोई इंडस्ट्री नहीं है और हो ही नहीं सकती है, ऐसा ऐसा मैं तो मेरी जो मेरे दिमाग में आता है, मैंने जो अनुभव किया हूँ मैं बताता हूँ, तेरा अनुभव अलग होगा, इससे अच्छा बिजनेस कोई नहीं है। तो वो पढ़ के आया, पापा मेरे को डायमंड में नहीं आने का, ले अरे तेरे बाप का इतना बढ़िया बदला, मेरे को हम चार भाई है लेकिन मेरे को एक ही बेटा है, तो ये बोलता है कि आप तो मोटिवेटर है, आप तो सबको बोलते हैं कि बेटे को जो करना है वो करने देना चाहिए, और डायमंड की इंडस्ट्री अपनी रिलायंस जैसी है नहीं, पूरी इंडस्ट्री रिलायंस हो जाए तो रिलायंस नहीं बन सकती, तो आप मेरे को इधर क्यों घुसा रहे हो, आप कह रहे बड़ा सोचना सही है, तो मैं क्या बड़ा सोचूंगा इधर आके, मेरा दिमाग घूम गया, बात तो सही है, हमको बड़ा सोचना चाहिए, तू कर तेरे को जो करने का। बच्चे को कभी प्रेशर मत देना, बच्चा ये अपना, मैं पेरेंट को बोलता हूँ, बच्चे को, बच्चा आपसे ज़्यादा होशियार है, ओके आपका है ना जैसे ऐप्स में नहीं होता वर्जन 2.0 राइट, हाँ बेटर वर्जन होता है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन है जो कुछ पूछना चाहते हैं। सर ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लाइक अभी जिस हिसाब से हम लोग हैं इस उम्र में होते हैं या किसी भी उम्र में, अगर किसी को उतना पैसा दे दो तो लोग स्टार्टअप या चीज़ों पे नहीं जा पाते आजकल जैसे नॉर्मली होता है, हम लोग जैसे कॉर्पोरेट लाइफ में है तो जो भी सैलरीज हैं उसी में बंदा एक फंसा रह जाता है, तो प्लान ए आपके माइंड में रहता है कि आज के हिसाब से हमें बिजनेस करना है, बट आप उस लेवल तक पहुँच नहीं पाते, प्लान बी आपको जाने नहीं देती, लाइक जो भी आज की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उस सिचुएशन में फंसे रह जाते, छोड़ नहीं पाते हैं। आप पहले दीजिए, मैं अच्छा मैं पहले दीजिए, क्योंकि आप दिमाग से देंगे मैं दिल से दूंगा उसको दोनों जवाब मिल जाएगा अगर मान लो आपको कोई ऐसी कंपनी मिल जाती है, इनके जैसी कंपनी मिल जाती है जहां पर आपको गाड़ियां मिल रही हैं और अच्छा पैसा मिल रहा है, अपार्टमेंट मिल रहा है, तो क्या टेंशन है, बढ़िया है लाइफ, क्या दिक्कत है, जरूरी थोड़ी है कि सबको वही करना है। देखो अगर सब बिजनेस ही करेंगे तो जॉब कौन करेगा, जॉब करने वाले भी तो चाहिए ना। तो नंबर वन आपको पहले यह देखना है कि क्या जो आप कर रहे हो उसमें कोई मेजर प्रॉब्लम है क्या, क्या आपको लग रहा है कि जितना आपको मिलना चाहिए, जितना आप डिजर्व करते हो उतना आपको नहीं मिल रहा है, तब आप अपने बेस पे कुछ करने के बारे में सोच रहे हो, तब फिर भी इट मेक सेंस। नंबर टू आपको यह देखना है कि क्या आपके अंदर वो पोटेंशियल है भी करने का या नहीं है, या फिर औरों को देख करके बस एक्साइटेड हो रहे हो। बिजनेस हर एक के लिए नहीं होता है, उसके लिए एक अलग तरह का फ्रेम ऑफ माइंड चाहिए, अलग तरीके की नजर चाहिए, एक ऐसी नजर चाहिए जहां पे हर तरफ आपको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही हो, हर तरफ आपको प्रॉब्लम नजर आ रही हो और उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालने में आप इंटरेस्टेड हो। अगर आपको दोनों चीजों का जवाब हां मिल जाता है कि हां मेरी जो अभी जॉब है वहां पे मेरे को उतना नहीं मिल रहा है जितना मुझे मिलना चाहिए, नंबर टू मैं एक बिजनेस कर सकता हूं, अब जो रिस्क लेने वाली बात है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि बिजनेस चलेगा, 90% पॉसिबिलिटी है कि वो फेल हो जाएगा, विच इज अ फैक्ट ग्लोबली अगर आप देखोगे तो जब वो फेल हो जाएगा और ये पहले से पता है तो वो रिस्क लेने का अंदर से दम होना चाहिए। उसके बाद में आपके माइंड में प्लान सी भी होना चाहिए, सिर्फ प्लान बी नहीं, आपने बात करी प्लान ए और प्लान बी, प्लान सी भी होना चाहिए, यानी कि अगर ये छोड़ा कुछ और किया वो नहीं चला तो क्या प्लान है, अच्छा वापस से मैं जॉब में चला जाऊंगा और ये जो 5 लाख रुपए मैंने जोड़े थे वो खत्म हो जाएंगे, वॉट एवर, मानो 5 लाख जोड़ने में 2 साल लगे थे तो 2 साल पीछे हो गया, दैट इज ओके, लाइफ बहुत बड़ी है उसमें 2 साल चले भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, क्या पता आप उस 2 साल में 20 साल आगे हो जाओ। तो वो रिस्क आपको लेना है अपनी कैपेबिलिटी अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, ना कि मेरे कहने के अकॉर्डिंग, ना इनके मोटिवेट करने के अकॉर्डिंग, फिर चाहे वो इंसान दिल से कहे चाहे दिमाग से कहे कुछ नहीं करने से तो बेटर है ना कुछ करके फेल हो जावे,
एक बार फेल, दो बार, तीन बार, से 100 बार फेल हो जाओ, मास्टर हो जाएंगे भाई, तो आपके पास प्लस ही प्लस रहेगा, कोई फेल होने का रास्ता ही नहीं रहेगा। वहां तक तैयारी होनी चाहिए सक्सेस होने के लिए। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे हम लोग 10 साल से मेहनत कर रहे थे आपका, मैंने चैनल देख के ब्रिजेश को बोला ये बंदा को लाने का है। समझो, बे बंदा को लाने का है, तू कुछ भी करके ला, क्योंकि जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कट मेरे दिमाग में है, मैं ऐसा नहीं है कि तारीफ करने के लिए बोलता हूँ, फंडा एकदम क्लियर है। हाँ जी। पैसे के लिए नहीं कर रहा, मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ, पैसे के लिए नहीं करो, पैसा मेरे को मालूम है बाय प्रोडक्ट है, इसलिए हम लोग को लाने का था, लेकिन मेरा सपना कितना स्ट्रांग है देखो, बंदा को मैं तो ला नहीं पाया लेकिन उन्होंने मुझको बुला लिया है। थैंक यू जी यहाँ पर आने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।